भाइयों और बहनों, असम में, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आपसा को हटाया गया। असम में तो 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार ना होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आपसा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भीतर की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है, राज्यों के बीच भी दशकों पुराने जो सीमा विवाद थे वो भी बहुत सौहार्द के साथ हल किए जा रहे हैं। मेहमंता जी और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आज विशेष बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की सशक्त आर्थिक इकाई बनने की ओर अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है। असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी।